नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लान बी के बारे में। प्लान बी डबल ई, ये है क्या, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, यहाँ पर हनी बीज, एलिफेंट्स और इंडियन रेलवेज, एक काफ़ी ऑड कॉम्बिनेशन इकट्ठा कैसे आता है। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज आते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे। यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी एसएससी बैंक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा सैम्पल क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट। सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था, उससे रिलेटेड बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट इज इंप्लीमेंटिंग माइक प्रोग्राम ऑफ सिटीज। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस द राइट आंसर राइट एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब ये बात ध्यान से सुनना, प्रोजेक्ट बी एक आइडिया है, एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही निराला आइडिया है, जिससे हम एलिफेंट्स की जान बचा सकते हैं। एलिफेंट्स की आबादी हमारे देश में वैसे ही कम हो रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट बी में या फिर प्लान बी में हम क्या करेंगे कि इंडियन रेलवेज़ के जो रेलवे ट्रैक हैं उसके आसपास हम लाउड स्पीकर इंस्टॉल कर देंगे, एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल कर देंगे जो वहाँ पर मधुमक्खियों की आवाज़ पूरी एरिया में फैलाएगा। उससे क्या होगा कि जो हाथी हैं आसपास वो डरेंगे, वो ट्रैक्स के आसपास नहीं आएंगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे हाथी इसी वजह से मरते हैं क्योंकि वो रेलवे ट्रैक्स के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और फिर ट्रेन आ जाती है, हाथी बहुत ही तेज़ी से मूव नहीं कर पाते, तो जब तक ट्रेन आ रही होती है वो हिट हो जाते हैं। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि बहुत सारे हाथी इस स्टाइल में मरे भी हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो प्लान बी यहाँ पर मधुमक्खियों की मदद से हाथियों को बचाने का आइडिया। अब यहाँ पर आप सोचेंगे वेट, हाथी मधुमक्खियों से डरते क्यों हैं? वेल, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, मधुमक्खियाँ स्टिंग करती हैं, वो डंक मारती हैं, और काफ़ी बार वाइल्ड लाइफ में देखा गया है कि हाथी काफ़ी सफ़र करते हैं जब मधुमक्खियाँ उनकी ट्रंक पे, उनकी सूंड पर काफ़ी बार अटैक कर देती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में मधुमक्खियों को यहाँ पर हम फैला नहीं रहे, उससे काफ़ी इनकन्वीनियंस फैलेगी और लोगों के लिए भी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाल देंगे जिससे आवाज़ आएगी के आसपास मधुमक्खियां हैं, वो आवाज़ हाथी सुन पाएंगे, हाथियों की सुनने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और उस डर से के आसपास मधुमक्खियां हैं वो रेलवे ट्रैक के नहीं आएंगे और हाथियों की जान हम इस तरीके से बचा पाएंगे। अभी के लिए ये जो आइडिया है टू कीप एलिफेंट्स एट डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स, द इंडियन रेलवे रिसेंटली लॉन्च प्लान बी अंडर विच ए डिवाइस हैज़ बिन इंस्टॉल्ड नियर रेलवे ट्रैक्स इन गुवाहाटी। अभी के लिए ये जो प्लान है ये आसाम में शुरू किया गया है, आसाम के गुवाहाटी में। धीरे धीरे ये शायद जब ये एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो बाकी जगह में भी हम ऐसे डिवाइस लगाएंगे ताकि कम से कम रेलवे ट्रैक से हाथियों की मौत ना हो। थ्रू दिस डिवाइस द बजिंग साउंड ऑफ बीज इज ऑडिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। सो 600 मीटर की दूरी से ही यहाँ पर मधुमक्खियों की आवाज़ सुनी जा सकेगी इस डिवाइस की मदद से, और हाथियों की जो सुनने की कैपेसिटी है काफ़ी डिस्टेंस है वो सुन लेते हैं, तो दे विल बी सेफ। इस डिवाइस की कॉस्ट भी काफ़ी सस्ती है, सिर्फ 2000 रुपये का ये डिवाइस पड़ेगा, तो इसको हम ऑल ओवर इंडिया भी इवेंचुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम हाथियों की डेथ की बात करें तो एज़ पर द डेटा प्रोवाइडेड बाई इंडियन रेलवेज, 2013 से करीब 70 हाथी ट्रेन से हिट होने के बाद मर चुके हैं, और रिसेंटली जो और डेटा आया है उससे हमको पता लगा कि 2016-17 में 16 डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें रिसेंटली 2018 के फरवरी महीने में देखा गया था आसाम में ही एक ट्रेन के हिट हो जाने की वजह से 4 हाथी एक ही जगह पे मर गए थे। इस सब के अलावा यहाँ पर यह भी बात करी गई है कि स्पीड लिमिट भी हम थोड़ी बहुत यहाँ पर कम कर सकते हैं। स्पीड लिमिट में क्या हुआ कि आज के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में जो एवरेज स्पीड लिमिट है वो करीब 50 किलोमीटर्स पर आर है, इसको 30 किलोमीटर्स पर आर तक लाने की बात चल रही है, जिससे एलिफेंट्स थोड़ा और सेफ रहें, और जो इम्पैक्ट होगा अगर वो इस एरिया में होते भी हैं तो जो इम्पैक्ट होगा वो इतना डेडली नहीं होगा। अच्छा, इंडिया में टोटल एलिफेंट्स की आबादी कितनी है, 2017 का जो सेंसस है उसमें हमको पता लगा है कि इंडिया में करीब 27,312 एलिफेंट्स अब बचे हैं,
दुनिया की जो टोटल एलिफेंट्स की आबादी है उसका 55% आपको इंडिया में ही मिलेगा। और सिंस 1986 एशियन एलिफेंट्स जो है उसकी एक खास वैरायटी होती है मैक्सिमस के नाम से, जो इंडिया में ही मिली, जो इंडिया में ही मिलती है, ये रेड लिस्ट में रहे हैं। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अमंग ऑल द स्टेट्स आसाम हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली, ये प्लान बी वाली, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आसाम में पूरे देश में सेकेंड हाईएस्ट एलिफेंट्स का नंबर आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स इंडिया में आपको मिलेंगे कर्नाटका में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आसाम की अगर हम बात करें एलिफेंट पॉपुलेशन की, तो ये वैसे इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 5,246 टू 5,719, मगर आने वाले टाइम में उम्मीद की जा रही है कि इसमें बहुत भारी गिरावट होगी क्योंकि डीफॉरेस्टेशन बहुत ही बड़े स्केल पे हो रही है आसाम में। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल गायब हो रहे हैं, तो इन हाथियों के पास जगह नहीं होगी और चांसेस है कि ऐसे एक्सीडेंट्स हमको और देखने को मिले। इसीलिए अगेन एज आई सेड अर्लियर, ये प्लान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारी ऐसी बैड न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है कि कई हाथी मारे गए। सो वी डेफिनेटली वॉन्ट टू अवॉइड ऑल दैट। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे, कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसके बारे में जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, क्या है सही है गलत है। पहली बात तो ये जान लो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और कई हाथियों की जान बचाई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट ने। और सेकेंड बात, इसमें मॉनिटरिंग अगेंस्ट पोचिंग भी इन्वॉल्व थी, मतलब कि पोचर होते हैं जो वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स हैं उनको जाके हंट करते हैं, या फिर उनकी स्किन के लिए या और किसी रीज़न के लिए भी बेसिकली वो वहाँ पे एनिमल्स को हार्म करते हैं इलीगल तरीके से। तो पोचिंग को रोकने की भी यहाँ पे बात करी गई थी। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारा आंसर हो गया सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।